हेलो दोस्तों, आप सभी का परमिला भगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। कुमेली फाल के दूसरे भाग में हम देख सकते हैं कुमेली फाल का नज़ारा कैसा है। काफ़ी नज़दीक से भी वीडियो बनाया हूँ और देख सकते हैं चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर, कितना मनमोहक और कितना लुभावना है। चारों ओर हरियाली है और देख सकते हैं नीचे का दृश्य कैसा है। एक चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान है जो ढलान में टिका हुआ है और किनारे किनारे यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है जो शासन के द्वारा सुरक्षा कारणों से लगाया गया है। और देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। और यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है, लेकिन अभी बरसात होने के कारण लोगों की भीड़ नहीं है। और यहाँ पे दिनों दिन अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी जा रही हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ से एक छोटा सा रेस्ट हाउस भी बना हुआ है जहाँ दूर से आए हुए सैलानी लोग रुक सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ नीचे का नज़ारा कैसा दिख रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं और चारों तरफ से वीडियो बनाते हैं और हर तरफ से नीचे भी जाकर वीडियो बनाते हैं और सेल्फी लेते हैं। यहाँ पे सेल्फी के लिए बहुत ऊंचा टावर भी बना दिया गया है जहाँ लोग ऊपर चढ़कर यहाँ का नज़ारा लेते हैं और सेल्फी लेते हैं। ये देख सकते हैं पानी कितने ऊंचाई से नीचे गिर रहा है और कितनी नीचे खाई में पानी गिर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है और बहुत गहरा है, वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। देख सकते हैं चारों तरफ का वातावरण कितना सुंदर है। और यहाँ पर मैं ये सेल्फी टावर के ऊपर चढ़कर यहाँ का नज़ारा ले रहा हूँ और यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। चारों तरफ कितना दूर दूर तक हरा भरा दिखाई दे रहा है और नीचे नदी बह रही। ये है यहाँ का सेल्फी टावर जहाँ से चढ़कर लोग विभिन्न प्रकार से वीडियो बनाते हैं या सेल्फी फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ का वातावरण काफ़ी शांत और मनमोहक है। यहाँ केवल पानी के धार की आवाज़ें सुनाई देती हैं और बहुत तीव्र आवाज़ सुनाई देती है पानी के गिरने की। और अब हम नीचे की ओर आ चुके हैं। नीचे से हम अब यहाँ पे नज़दीक में जा रहे हैं जहाँ पर पानी गिरता है। वहाँ पर जितनी नज़दीक हो सके हम कोशिश करेंगे जाकर वहाँ वीडियो बनाने की। यहाँ चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है और बरसात के दिनों में जब बहुत अधिक पानी भर जाता है तो इन चट्टानों के ऊपर से भी पानी गुजरता है। ऐसे स्थिति में नीचे जाना ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन हम जिस समय गए हैं उस समय पानी नहीं गिर रहा था। एक दो दिन पहले ही पानी रुक चुका था जिसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बालू है और यहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। इससे ज़्यादा नज़दीक और नहीं जाया जा सकता क्योंकि पानी में जाने पर अंदर खतरा हो सकता है, अंदर मगर हो सकता है या ज़्यादा गहरा हो सकता है,
और चट्टानों के नीचे खोखला भी हो सकता है, जिसकी वजह से डूबने का डर होता है। और यहाँ से काफ़ी नज़दीक से वीडियो बनाया हूँ, और ये देखिए आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ कितनी ऊंचाई से पानी गिर रही है और कितना ख़तरनाक रूप से गिर रही है, और नीचे का नज़ारा छुप जाता है क्योंकि चट्टान कुछ इस तरह से बना हुआ है कि पूरा नीचे का दिखाई नहीं दे पाता है। यह नज़ारा तो केवल ड्रोन कैमरा से ही लिया जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर बालू है, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं पिकनिक मनाने, यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं और मज़े लेते हैं, यहाँ पर परिवार सहित भी आ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग नज़दीक में पानी में नहाते भी हैं, देख सकते हैं किस तरह से पानी गिर रहा है। अभी तो पानी की मात्रा कम है जिसकी वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ही भयानक और बहुत ही रोमांचक दृश्य होता है, यहाँ का देखने लायक होता है। अब हम यहाँ पर इन चट्टानों से होते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर चट्टानों में चढ़ने के लिए छोटे छोटे छेद टाइप से बना दिया गया है लोगों के द्वारा चढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उतरने के लिए काफ़ी दूर से घूमकर आना पड़ता है, लेकिन चढ़ने के लिए यहाँ से चढ़ने में चढ़ा जा सकता है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। यहाँ पर छोटा छोटा खोदकर गहराई टाइप से बना दिया गया है जिसमें से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा चट्टान है और कितना ये सीधा खड़ा हुआ स्थिति में है। यहाँ पर मैं भी अब इसी चट्टान के माध्यम से ऊपर चढ़ूँगा और ऊपर से आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाऊँगा। देख सकते हैं यह चट्टान भी काफ़ी कहीं कहीं फिसलन भरी होती है, और अब मैं भी ऊपर जाने की तैयारी में हूँ और चट्टान के किनारे किनारे मैं जा रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ से भी एक बार उधर का नज़ारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। और अब मैं यहाँ से चट्टानों से पैर रखते हुए ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर से एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसा है। देख सकते हैं इस चट्टान में चढ़ने के बाद सीधे ऊपर में ही एक बड़ी सी चट्टान है जो ढलान में है, वह भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, देखने लायक है। यहाँ पर भी लोग सेल्फी खिंचवाते हैं और अनेक प्रकार से फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। और अब हम लोग अपने घर वापस जाने की तैयारी करेंगे। यहाँ से एक बार से फिर से आप लोगों को कोशिश करूँगा कि यहाँ का दृश्य दिखा सकूँ। डायरेक्ट सीधा दिखाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में चट्टान हो जाने के कारण नीचे का दृश्य नहीं दिख पाता है, और ऊपर का तो दिखाई देता है लेकिन नीचे का नहीं दिख पाता है। फाइनली दोस्तों हम सब ने अब कुमेली फाल का दर्शन कर लिए हैं, अब हम वापस जाने की तैयारी में हैं। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसी तरह से हमें और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन प्रदान करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।